हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ JJM प्रोजेक्ट में। अगर आप एक इंजीनियर, साइट इंजीनियर के रूप में जाना चाहते हैं तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो आपको आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जरूर इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है दोस्तों। आपसे पंप हाउस और बाउंड्री वॉल के बारे में बताया हूँ आज, तो मैं आगे वेस्टी के बारे में बताऊँगा आपको। कैसे क्या पंप हाउस बाउंड्री वॉल के अंदर कितना क्या क्या साइज रहता है, क्या रहता है, सोलर पैनल कहाँ लगता है, OHT किधर रहता है। तो दोस्तों ये सब मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पंप हाउस का साइज एवं हाइट ऑफ स्लैब थिकनेस एवं पंप हाउस में कितना सरिया लगता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको दोस्तों याद रहना चाहिए। अगर आपने एक पंप हाउस बनवा लिया है तो दोस्तों फिर तो आपको सब मालूम ही हो जाएगा। अगर आपने नहीं बनवाया हो तो ये दोस्तों पढ़ लें। जो हमारा पंप हाउस होता है, पंप हाउस की साइज दोस्तों होती है 3 मीटर × 3600। दोस्तों पंप हाउस का जो साइज होता है 3 मीटर × 3600। पंप हाउस की हाइट प्लिंथ लेवल टू स्लैब, पंप हाउस की दोस्तों जो हाइट होती है, कमरे के अंदर जाएंगे तो हमारा जो फर्श होता है, फर्श से लेके फर्श प्लिंथ लेवल टू और स्लैब के बॉटम तक दोस्तों कितनी हाइट है, 3600। ये दोस्तों याद रखिएगा। बरामदे का अलग होता है, पंप हाउस का और क्लोरीन रूम का अलग होता है। पंप हाउस अब बरामदा हाइट कितना है दोस्तों, प्लिंथ लेवल टू स्लैब इसका कितना है, 3000 mm यानी 3 मीटर दोस्तों इसका है। और स्लैब की थिकनेस कितनी है, 125। जो हमारा स्लैब की ढलाई होगी, जो स्लैब पड़ेगा उसकी जो थिकनेस है 125 mm है दोस्तों। स्टील कितना लग जाएगा, स्टील इसमें लगेगा दोस्तों 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल तक हमारा स्टील इसमें लग सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। वैसे BBS में आपको बता दूंगा पंप हाउस का, मैं आगे वीडियो में BBS बता दूंगा, BBS देख लीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंप हाउस फाउंडेशन सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन कैसा कितना, मतलब पंप हाउस का हमारा जो नीचे का नींव पड़ता है, फाउंडेशन पड़ता है, वो कैसे और क्या उसकी सेक्शन रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बता दिया है, आप देख लीजिए। जो हमारी PCC होगी, PCC की चौड़ाई जो है 900, यानी हम जो गड्ढा करवाएंगे दोस्तों वो 1 मीटर से 1100 की चौड़ाई में गड्ढा करवाएंगे। और जो PCC का थिकनेस है वो कितना है दोस्तों, 100 mm यानी 4 इंच है। फिर यहाँ पे देखिए आप, 690 PCC के ऊपर जो हमारा ब्रिक वर्क होगा उसकी चौड़ाई 690 mm है। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 301 फुट है। और फिर उसके बाद कितना है, 570, ये भी 300 mm है। 460 है, ये भी 300 mm है दोस्तों। ये हमारा आ गया GL लेवल, ये हमारा आ गया GL ग्राउंड लेवल आ गया दोस्तों ये हमारा। तो हम GL से, और जो हमारी खुदाई होगी दोस्तों, टोटल हम 1 मीटर की खुदाई कराएंगे, 300 300 300 900, फिर ये 100, टोटल 1 मीटर की खुदाई करा के फिर हम PCC करवाएंगे। ये हमारा एप्रॉन है, एप्रॉन जब भी बनवाएंगे दोस्तों हमारा जो प्लिंथ लेवल रहेगा, प्लिंथ लेवल से 450 नाप के फिर हम यहाँ से एप्रॉन बनवाएंगे, यानी अपनी GL लेवल पे जो भी हमारा आस पास जो हमारा पानी होगा पंप हाउस से, ये इसके थ्रू अपना हमारा जो बाईपास चेंबर है, हार्वेस्टिंग चेंबर है, वहाँ पे हम ड्रेन अटैच कर देंगे, उसमें चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारी जो PCC होगी, PCC कितने का रहेगा, उसकी रेशियो क्या रहेगी, उसकी थिकनेस तो 100 mm है। और जो PCC रेशियो रहेगा कितना रहेगा दोस्तों, 1:8 का रहेगा। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, PCC रेशियो कितने का है, 1:8 का। हमारा जो पंप हाउस में ब्रिक वर्क होगा कितने का होगा, 1:8 का होगा। ओके दोस्तों, अरे सॉरी, ब्रिक वर्क जो होगा 1:4 का होगा, PCC जो होगा वो हमारा 1:8 का होगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कितने टाइप की पंप हाउस ड्राइंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने टाइप के पंप हाउस ड्राइंग है। तो दो टाइप के हैं दोस्तों, देख लीजिए। एक तो लेंथ है 3 मीटर 3600, जो हमारा पहला ड्राइंग था दोस्तों वो ड्राइंग ये था, 3600 बाई 3 मीटर। जो हमारी पहले ड्राइंग चलती थी ये थी 3600 बाई 3 मीटर, पर अभी प्रेजेंट मेरा जो चल रहा है ड्राइंग ये है 3 मीटर × 3600। ओके दोस्तों, ये हमारी ड्राइंग है, टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग होती हैं, 3 मीटर 3600 3600 × 3 मीटर। ओके दोस्तों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंप हाउस का लेआउट, बाउंड्री वॉल का लेआउट कैसे करें। ओके दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़रूरी है सर। अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं, अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं तो दोस्तों आपको मालूम रहना चाहिए पंप हाउस का लेआउट कैसे करें, बाउंड्री वॉल का लेआउट कैसे करें, पंप हाउस में कितने ब्रिक्स लगेंगे, बाउंड्री वॉल में कितने ब्रिक्स लगेंगे। दोस्तों ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। ये हो गया हमारा बाउंड्री वॉल का लेआउट। तो दोस्तों
सबसे पहले तो जब भी हमें बाउंड्री वॉल का लेआउट करना पड़ेगा तो सर हम लेखपाल से प्रधान से जानकारी ले लेते हैं कौन सा ज़मीन कहाँ पे ग्राम समाज है, तो उस तरीके से फिर हम मिलके लेखपाल को लाके फिर हम लेआउट कराते हैं। मैक्सिमम दोस्तों हमारा जब भी होता है बाउंड्री वॉल तो या तो 150 रनिंग मीटर होता है या तो 120 या तो 100, यही दोस्तों रहता है। 120 हो गया या तो 150 हो गया या तो 100 हो गया। प्रेजेंट में दोस्तों अभी जो है आप देख रहे हैं 30 मीटर ये लंबा, 40 मीटर चौड़ा। देख लीजिए दोस्तों, हमें सबसे पहले एक बोर पॉइंट मिलता है, हम उस बोर पॉइंट के ही थ्रू चलते हैं दोस्तों। तो बोर पॉइंट ये हमारा है, बोर पॉइंट के सामने ही अपोजिट साइड में ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा पंप हाउस, और यहाँ पे ये मेरी OST रहेगी। यहाँ से दोस्तों हम इनलेट जो बोर का पाइप है, बोर की जो पाइप है, इससे दोस्तों हम अटैच करेंगे OST से, फिर यहाँ पे टैंक में पानी चढ़ेगा। और फिर यहीं से दोस्तों हम एक पाइप निकालेंगे आउटलेट का पाइप निकालेंगे दोस्तों, जो गाँव गाँव में जाएगा पानी। ओके दोस्तों, और ये हमारा सोलर पैनल है, पीछे साइड में जो जगह बचा हुआ ये हमारा सोलर पैनल है। सोलर पैनल को हमने यहाँ से लाके अटैच कर दिया दोस्तों, अपना बोर हमारा चलता रहेगा। तो कुछ इस तरह हमारा लेआउट होता है दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम सोलर पैनल को जब लेआउट करते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि हमारी OST किस जगह पर रहनी चाहिए। सोलर पैनल पे OST अगर पूरी खड़ी हो गई तो कहीं सोलर पैनल पे हमारा 12 बजे या 1-2 बजे के बाद कहीं सोलर पैनल पे छाव ना आए, ये हम दोस्तों ज़रूर देखते हैं। और बोर पॉइंट के थ्रू वो सबसे पहले तो हमारा बोर ही होता है, फिर उसके बाद जो दोस्तों बाउंड्री वाल होता है, बाउंड्री वाल का जो ब्रिक वर्क होता है दोस्तों ये 4 इंच का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इंच का हमारा बाउंड्री वाल होता है। अभी जो हमारा दिया मेन गेट दोस्तों ये है, 3600 का मेन गेट है, विकेट गेट जो हमारा है 1200 का है। ओके दोस्तों, पंप हाउस का लेआउट ये देखिए दोस्तों, पंप हाउस ये पॉइंट है, ये पॉइंट, अब ये मैंने पॉइंट यहाँ दिखा दिया, ये हमारा जो पाइप है ये पाइप है, बोर का जो पाइप है ये पाइप आया हुआ है। ये छज्जा है 450 का छज्जा, ये रूम की साइज़ है 3600 बाई 3000, ये बरामदे की साइज़ है 3800 × 1500, और ये क्लोरीन रूम है दोस्तों, क्लोरीन रूम रहता है, क्लोरीन रूम की जो है दोस्तों 1800 बाई 2500 है। ओके दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, ये बाईपास है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक हार्वेस्टिंग चैम्बर भी रहता है। ओके दोस्तों, एक ये हार्वेस्टिंग चैम्बर दोस्तों, हार्वेस्टिंग यानी हमारे जो कैंपस का पानी रहेगा, वो कैंपस का पानी जो हम साइड साइड में दोस्तों ड्रेन बनाते हैं, हम साइड साइड में ड्रेन बनाएंगे तो ड्रेन को लाके हम इसमें अटैच करते हैं, हमारा बाईपास का पानी आएगा इसमें। और दोस्तों यहाँ पे हम एक वाश आउट चैम्बर बनाते हैं, वाश आउट चैम्बर जो रहेगा दोस्तों, वाश आउट का चैम्बर का जो पानी रहेगा, कभी हमारी टंकी फुल हो गई, यहाँ पे कोई है नहीं, पानी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो पानी दोस्तों इस चैम्बर से निकल के फिर इस चैम्बर में जाके हार्वेस्टिंग में जाएगा, हार्वेस्टिंग में से दोस्तों ये पानी सारा सारा नीचे जाएगा। ओके दोस्तों, तो एक ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ आपको पंप हाउस और इसका बाउंड्री वाल का बताया था, आगे में चल के दोस्तों कितने चैम्बर्स रहेंगे, क्या क्या रहेगा हार्वेस्टिंग बोर्ड, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ओके दोस्तों, तो दोनों बहुत ही ज़रूरी, याद कर लीजिएगा इसको, क्या क्या बाउंड्री वाल ब्रिक वर्क दोस्तों, बाउंड्री वाल ब्रिक वर्क अप टू DPC लेवल, यानी बाउंड्री वाल में जो ब्रिक वर्क होता है DPC के ऊपर जो लेवल होती है उस ब्रिक वर्क की साइज दोस्तों, तो वो साइज़ होती कितनी, 4 इंच ब्रिक वर्क, बाउंड्री वाल ब्रिक वर्क कितना लगेगा दोस्तों, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है हम किस साइज़ का बनवा रहे। तो प्रेजेंट में मैंने अभी दिखा दिया 30 × 20 का, तो इसमें दोस्तों 15,000 से 16,000 ब्रिक्स लगेंगे, जो कि दोस्तों मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम कभी कभी के जो भी हमारा ठेकेदार रहता है वो अगर केयर नहीं करता है, ब्रिक टूट जाते हैं, तो इसकी वजह से मैंने इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा बता दिया दोस्तों। और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बाउंड्री वाल का टोटल, बाउंड्री वाल में हमारी क्या साइज होती है फाउंडेशन की, उसके ऊपर ब्रिक कैसे होता है, क्या होता है दोस्तों, टोटल मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा।